नमस्कार दोस्तों, एएमयू क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पहली बात तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आपसे कि हमने आपका दो ही वीडियो बाल विकास का डाला, उसके बाद नहीं डाल पाया क्योंकि मैं भी पेपर देने चला गया था पीसीएस का। मैं भी आप ही की तरह एक टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। इस वीडियो का जो है ध्यान से देखिए, यूपी टेट के लिए एक और धमाकेदार सीरीज आपके अपने चैनल एमयू क्लासेस पे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा इसका थार्नडाइक ने। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले, तनाव मुक्त वाले, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी मतलब समाज से मिलता जुलता, हर तरह के समाज में भेदभाव किए बिना एक दूसरे से बातचीत करना, तो वो होते हैं सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले जो है बहुमुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपर स्टार अतिमानव वह होता है। सुपर स्टार मतलब अतिमानव मतलब सामाजिक पैमाने विधि के अनुसार इसमें सुपर स्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, उसी को जो है सुपर स्टार या अतिमानव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण की विधि का प्रयोग जूंग द्वारा किस वर्ष में किया गया। व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि है जिसको शब्द साहचर्य परीक्षण विधि कहते हैं। व्यक्तित्व माप का मूल्यांकन करता है वो परीक्षण जिसको जूंग ने प्रतिपादित किया था, वो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा डी 1910 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, लंबाई भार त्वचा का रंग पैर आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचरण को कहते हैं। लंबाई भार त्वचा रंग पैर आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचरण को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। भावनात्मक अंतर कहते हैं, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, इनमें से कोई नहीं। भावनात्मक तो भाव से हो जाएगा, मानसिक तो दिमागी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो सीधे आंसर हो जाएगा भौतिक अंतर, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, इनमें से किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। नहीं देखिएगा, नहीं कह रहा है। इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा, तो यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं सब ध्यान दीजिएगा। तो परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की सोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार की सोचनीय भावनात्मक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, परिवार का पेशा इनमें से नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर सात पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक अस्पष्ट शैक्षिक कमी यानी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पूछ रहा है, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसको कहते हैं पिछड़ा बालक है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है किसके यहाँ किसने यह कहा कि सृजनशील मानव की मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नए विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करने, अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी, स्किनर। आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय
डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 10, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या समाज पे? बालक का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो उसके माता पिता ही होते हैं और परिवार होता है, इसलिए उसका प्रारंभिक विकास निर्भर करता है उनके माता पिता पे। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके अनुवांशिकीय नियम के जरिए विश्लेषण किया जा सकता है? समानता के, विभेद, औनति या कीटाणु के जनन द्रव सिद्धांत द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विभेदन, विभेदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, कि किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? क्वेश्चन नंबर 12, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? पहला, सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य की भावना, सामाजिक गुण, या इनमें से सभी? तो खेल कूद में ये सभी गुण आते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे हमेशा पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या बुद्धिमान, अगर माता पिता बहुत बुद्धिमान है तो उनके बच्चे भी क्या बुद्धिमान है, यानी पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं? इसका हाँ नहीं, मनोविज्ञान के इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई तो जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान हों। क्वेश्चन नंबर 15, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा है। साफ सफाई में जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा और एक द्वितीय क्या है, मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा सम्मिलित है, अस्थाई सजा सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी, स्नेहपरक सजा एवं उद्देश्यपरक सजा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है? बी, एक मूल भाषाई भाषज निवासी की भ्रांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, सी, धीमा सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है, और डी, एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एक मूल भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर परसेंटेज में बढ़ता है लगभग कितना? कोई बालक है जो से 2 से 3 वर्ष के बीच की आयु का है,
तो उस बच्चे में भाषा का विकास कितना होगा लगभग, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 से 10 तक उसकी भाषाई विकास का परसेंटेज जो होगा वो 2% से लेके 10% तक विकसित होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति, मानव की विकास की सबसे तीव्र गति होती है इनमें से कौन सी, बाल अवस्था में उसकी गति तीव्र होती है, किशोरावस्था में उसकी गति तीव्र होती है, शैशव काल में या यवन अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानव विकास की सबसे तेज गति जो होती है वो हमेशा किशोरावस्था में होती है, और किशोरावस्था जो है थार्नडाइक के अनुसार तीसरा स्टेज है, शैशवावस्था बाल्यावस्था उसके बाद किशोरावस्था आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सिफेलो कोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती दूरस्थ अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। सिफेलो कोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास जो होता है वो हमेशा सिर से होता है शुरू और पांव की ओर होता है, यानी सिर से पहले छाती फिर नीचे 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 बनते हुए चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, यानी गर्भ में जो बच्चा है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि यानी गर्भधारण के दौरान और उसके बाद जन्म लेने तक की अवधि को क्या कहते हैं। किशोरावस्था इसको तो कहेंगे ही नहीं, शैशवावस्था, शिशुअवस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्क अवस्था। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर, प्रसव पूर्व यानी पैदा होने से पहले का काल वो होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है। यानी जीन पियाजे ने चार चरण दिए थे, उन चार चरणों में कह रहा है ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, उसको कौन सी अवस्था कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा ए, संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी पहला ही अवस्था जो होता है उसी की बात कर रहा है। अब आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया किसने किया, यानी रोसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व निरीक्षण इसमें किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसको इनमें से किस वैज्ञानिक ने जो है उसका जो है विकास किया था यानी खोज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हार्टमैन रोसा ने, क्योंकि देखो इसमें रोसा शब्द आया है और ये अपने ही नाम पे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का जो है नाम रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 24। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत बुद्धि यानी एक से ज़्यादा, बहु का मतलब बहुबुद्धि मतलब एक से ज़्यादा जिसको कहते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने, बीने ने, हावर्ड गार्डनर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सिद्धांत दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आंसर आपका सी, हावर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता में बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण में ढलने की क्षमता का जो बुद्धिमत्ता से संबंध जोड़ता है उस किस मनोवैज्ञानिक के मतलब वातावरण का ज़्यादा जो है वो दिया था, कि वातावरण में बच्चा जब रहेगा तो उसमें अपने माहौल के अनुसार ढलेगा तो उसकी बुद्धि जो है और अच्छी होती जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जब वातावरण में रहेगा तो उसके ढल माहौल के अनुसार जब ढलेगा तो उसकी बुद्धि जो है और अच्छी होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया गया, थार्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है इनमें से इस विकल्प में से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया गया है, व्यवहारिकता का सिद्धांत,
ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। व्यावहारिकता का सिद्धांत उनका नहीं है, थार्नडाइक का, ज्ञानात्मक और मनोविश्लेषण इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। उस ये कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है? यवन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। यवन ग्रंथि, थायराइड एक बीमारी है, मूत्र ग्रंथि यानी इनमें से कोई नहीं है जो इस ग्रंथि को जो है क्या करती है, नियंत्रित करती हो। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए, इसका विकल्प दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी प्रकृति भावात्मक विकास से संबंध नहीं है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा नहीं है कह रहा है। इनमें से कौन सी प्रकृति भावात्मक विकास से संबंध नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि नहीं आने वाला, जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से फोकस कर दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि नकारात्मक बात कह रहा है, निगेटिव थिंकिंग पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। ये गलत है, भावनाएं जो है वो जन्म के साथ ही नहीं होने लगता है, वो बाद में जो है क्रिएट होता है भावना इंसान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है, यानी एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है इन चारों में से? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पर, यानी बाहरी लोग के साथ अगर उसके साथ अंतःक्रिया करे, रहने लगे, एक दूसरे के साथ घूम रहा हो, शिशु को मिलने वाले प्यार या अपनत्व यानी लालन पालन या अपनापन का व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं। सी कह रहा है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का डी, इन सभी पर जो है शिशु का सामाजिक विकास का निर्भरता होती है, यानी ये सब चीज़ें जो है सामाजिक विकास पर निर्भर होती है एक शिशु द्वारा। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बाल विकास का पार्ट 3 के रूप में यानी भाग 3 आपको मैं दे रहा हूँ, और इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपी टेट में जो है आ चुके हैं, और इस बार भी जो है अच्छे क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।